नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शंस और इसके अंदर हम लोग ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते क्या है। अब मान लीजिए अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइन है w इक्वल टू एफ जेड, ये हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जरा उसको समझते हैं कि अगर कोई सिंगल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग एक या एक से ज्यादा फंक्शनल वैल्यूज आए तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है यानी कि रियल, ये है वाई और ये है जेड। अब मान लीजिए हमारा जो फंक्शन एफ है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट है यहां पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका डोमेन है। इस डोमेन डी के अंदर एक पॉइंट हमने लिया जेड और इसके करेस्पॉन्डिंग हमने जब वैल्यू देखी फंक्शन की, अगर सिंगल वैल्यू आए तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मगर इसी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग अगर एक से ज्यादा वैल्यू आए, मान लीजिए एफ जेड आ रही है तो एफ वन जेड भी आ रही है और एफ टू जेड आ रही है, यानी कि सिंगल पॉइंट जेड के अबाउट हमें अगर एफ वन एफ टू और एफ, ये हमें अगर फंक्शनल वैल्यूज मिलती हैं तो ऐसे फंक्शंस बोलते हैं हम लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच हैव, एक से ज्यादा यानी कि अगर हो रहे हैं, विच हैव टू और मोर देन टू, मोर देन टू वैल्यूज ऑफ w फॉर सम और ऑल वैल्यूज ऑफ z इन गिवन डोमेन। यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जिनका अगर किसी गिवन डोमेन पे एक दो या दो से ज्यादा फंक्शनल वैल्यूज निकलती हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। ये तो रही डेफिनेशन। अगर आपको एक इसके बारे में अच्छा फील लेना है तो एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा। मान लीजिए एक हमने w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/2 लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जो fz है, अगर ये जो z होता है इसको अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं r e की पावर i थीटा 1/2, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि e की पावर i थीटा हमारा होता क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। और आपको पता है कि जो कॉस और साइन होते हैं इनका पीरियड 2π होता है, यानी कि 2π के बाद ये अपनी जो वैल्यूज है रिपीट करने लगते हैं, यानी कि ये पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड 2π। तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं कॉस 2nπ प्लस थीटा प्लस आई साइन 2nπ प्लस थीटा, यानी कि ये हो गया e की पावर i 2nπ प्लस थीटा, ठीक है। ये तो यानी कि जो हमारा फंक्शन है r
ई आई, तो थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा की पावर होल पावर 1/2। तो एफ जेड हमारा हो गया आर 1/2 ई की पावर आई एन पाई प्लस थीटा बाई टू, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर 1/2 ई की पावर आई थीटा बाई टू ई की पावर आई एन पाई, ठीक है, ये है। अब आप बच्चों देखिए कि जो e की पावर आई एन पाई है इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो ये वन होगा या तो ये माइनस वन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप n इक्वल टू जीरो करेंगे तो e की पावर जीरो वन, जब n इक्वल टू वन करेंगे तो ये होगा e की पावर पाई आई, और पाई आई की वैल्यू क्या होती है, अगर यहां पे पाई करेंगे तो आएगा माइनस वन, और साइन पाई होता है जीरो, तो ये हो गया माइनस वन। फिर अगर n इक्वल टू टू करोगे तो आएगा e की पावर 2 पाई आई, अब जब 2 पाई आई है तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, और sin 2 पाई की वैल्यू होती है 0। फिर जब n इक्वल टू 3 करेंगे तो आएगा e की पावर 3 पाई आई, अब यहां पे cos 3 पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, और sin 3 पाई होता है 0। यानी कि e की पावर i n पाई की दो ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक तो 1 होगी और दूसरी माइनस वन होगी। तो यानी कि जो हमारा फंक्शन एफ जेड है इसके दो पॉसिबल वैल्यूज निकल रही हैं, एक निकल रही है यानी कि इसको अगर यहां पे लिख देता हूं मैं आर की पावर 1/2 ई की पावर आई थीटा बाई टू, पॉसिबल वैल्यू एक वन और एक माइनस वन, ठीक है। तो एफ जेड, तो जो हमारा डब्ल्यू है यानी कि एफ जेड, एक वैल्यू आ रही है उसकी आर 1/2 ई की पावर आई थीटा बाई टू, और एक आ रही है वैल्यू माइनस आर 1/2 ई की पावर आई थीटा बाई टू। इसको हम लोग नाम दे देते हैं एफ वन जेड, और इसको बोल देते हैं हम लोग एफ टू जेड। यानी कि क्या कहने का मेरा मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट जेड, अगर ये W वाली कोई मशीन है, W कोई मशीन है, उसमें अगर सिंगल पॉइंट Z के करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग आउटपुट देखें या फंक्शनल वैल्यू देखें तो हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है F1Z और एक मिल रहा है हमें F2Z। तो जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते हैं तो इनके बारे में अगर आपको इनकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है, या एनालिटिसिटी के बारे में बात करनी है, तो ये अब डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग हमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल वैल्यूज मिल रही हैं। तो करते क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांच। ब्रांच इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांच का। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांच किसे कहते हैं। ब्रांच कुछ भी नहीं, जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, बेसिकली जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हैं, यहां पे मैं बताता हूं आपको कि ये जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हैं ये हमारे कलेक्शन है किसके, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन हमारा एक सेट है जिसमें खूब सारे सिंगल वैल्यूड फंक्शंस का कलेक्शन है, ठीक है। और यही जो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच बोलते हैं, जैसे कि पहले हम लोग ब्रांच की डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्रांच क्या है, इफ एफ जेड इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, अगर एफ जेड हमारा
एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, देन ब्रांच इज, देन ब्रांच इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. तो ब्रांच हमारा क्या है, अगर fz हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन मतलब इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शंस, तो हमारा ब्रांच एक पर्टिकुलर जो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है उसको बोलेंगे. इफ fz इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, देन ब्रांच इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द सब डोमेन ऑफ fz. यानी कि अगर fz की डोमेन d है, तो जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो कि d1 डोमेन पे अगर डिफाइंड है, तो हमारा जो ब्रांच होती है वो ब्रांच हमारा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइंड होता है सब डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन. तो ये रही हमारी ब्रांच की बात कि हम ब्रांच किसे कहते हैं. अब देखिए, जैसे कि हमारा जो फंक्शन था z की पावर 1 बाई टू, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, दो ब्रांचेस हैं, टू ब्रांचेस. कौन कौन सी? एक है हमारी f1z, यानी कि r 1 बाई टू e की पावर i थीटा बाई टू, और दूसरी है f2z. उसी प्रकार z की पावर 1 बाई थ्री जो है, इसमें तीन ब्रांचेस होती हैं, तीन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. एक हमारी, अगर हम इसको हम सॉल्व करके बताएं आपको, तो z वन बाई थ्री इक्वल टू r e की पावर i थीटा 1 बाई थ्री, ठीक है, r 1 बाई थ्री e की पावर i थीटा प्लस 2n पाई का 1 बाई थ्री, यानी कि r 1 बाई थ्री e की पावर i थीटा बाई थ्री e की पावर i 2n पाई बाई थ्री. तो इसके हमारे जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं किसकी, e की पावर i 2n पाई बाई थ्री, एक होती है 1, एक होती है हमारी क्या कहते हैं ओमेगा, यानी कि माइनस 1 बाई टू प्लस रूट 3 बाई टू आई, और एक होती है माइनस 1 बाई टू माइनस रूट 3 बाई टू आई. इसको एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं. तो अगर n इक्वल टू अगर 1 है, तो ये होगा e की पावर 2 पाई बाई 3 आई, यानी कि cos 2 पाई बाई 3 आई प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 आई. 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 यानी कि 180 माइनस 60 cos में अगर है, तो ये होगा हमारा माइनस 1 बाई 2, और ये होगा हमारा 180 माइनस 160 यानी कि प्लस रूट 3 बाई 2 आई, यानी कि एक ये रही, और एक होगी हमारी n इक्वल टू 2 पे e की पावर 4 पाई बाई आई 3, 4 पाई बाई 3 आई, क्योंकि n इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा फंक्शन 4 पाई बाई 3 आई. तो cos 4 पाई बाई 3 आई प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3 आई, ठीक है, cos 4 पाई यानी कि 60 टू 40 माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज हमारी यही रहेंगी. तो यानी कि इसकी ब्रांचेस एक होगी 1, एक होगी r 1 बाई 3, नहीं, अगर मेरा कहने का मतलब जो है, एक हमारी होगी r 1 बाई 3 e की पावर i थीटा बाई 3, एक होगी अगर इसको हम लोग अल्फा कह दें और इसको हम लोग बीटा कह दें, तो एक हमारी ब्रांच होगी अल्फा माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 आई, और एक होगी बीटा माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 आई, ठीक है बच्चों. तो यानी कि z 1 बाई 2 की ब्रांचेस कितनी होती हैं, दो, z 1 बाई 3 की 3, इनफाइनाइट ब्रांचेस भी हो सकती हैं किसी मल्टी वैल्यूड फंक्शन की, और उसका एग्जाम्पल है लॉग, इसमें इनफाइनाइट ब्रांचेस होती हैं, इनफाइनाइट
ब्रांचेस होती हैं, किसमें? लॉग वाले में। तो ये हम लोगों ने ब्रांच के बारे में जाना और मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच पॉइंट, कि हमारा ब्रांच पॉइंट क्या होता है। तो चलिए इसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रांच पॉइंट, ब्रांच पॉइंट को समझते हैं हम लोग किस एग्जांपल से। एफ जेड इक्वल टू जेड वन बाई टू। अब ये सब हम लोगों को करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते हैं इनमें एक पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग बहुत सारी फंक्शनल वैल्यूज हैं। तो अगर उस फंक्शन के बारे में हमको स्टडी करना है, उसकी एनालिटिसिटी के बारे में पता करना है, तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ले लेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग उसकी चेक करेंगे कि वो एनालिटिक है कि नहीं है, और भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी जो भी चेक करना है करेंगे, जिसके बारे में हमें ओवरऑल इसके बारे में पता चल जाए। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड वन बाई टू हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब जैसा मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने ये आर्गन प्लेन बनाया, ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन को हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम पॉइंट जीरो, यानी कि लेट जेड इक्वल टू जीरो, हमने एक पॉइंट ले लिया जेड इक्वल टू जीरो, यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया जेड, ये इसको मिला है, ठीक है, और ये आर है और इसका एंगल रियल एक्सिस से थीटा है। वैसे हमें मैग्नीट्यूड से अभी मतलब नहीं है, बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब इस पॉइंट को हम लोग रोटेट करेंगे, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग घुमाते जाएंगे और उसी जगह पहुंच जाएं हम लोग, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने के बाद अगर हम उसी जगह पहुंच जाएं, तो वैसे देखा जाए अगर कहीं से अगर हम लोग जाएं, अगर घर से निकले और घर ही वापस आ जाए तो कोई चेंज नहीं, ये तो हमारा रियल वर्ल्ड है। मगर जो कॉम्प्लेक्स की दुनिया है उसमें बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब आप इसको खुद समझिएगा ऐसे कि एफ जेड इक्वल टू जेड वन बाई टू आर ई की पावर आई थीटा प्लस टू पाई वन बाई टू। वैसे देखा जाए हम लोग जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं से घूम के वहीं पे पहुंच गए, तो कोई चेंज नहीं है, मगर ये हम लोगों का रियल परसेप्शन है। मगर अगर कॉम्प्लेक्स के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो आप देखेंगे कि आर वन बाई टू ई की पावर आई थीटा बाई टू ई की पावर पाई आई, और आपको बता है कि पाई आई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये हो गया आर वन बाई टू ई की पावर आई थीटा बाई टू। यानी कि जब हम लोगों ने जेड पॉइंट को पूरा एक चक्कर घुमाया तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि जो ब्रांच है हमारी वो इंटरचेंज हो गई। यानी कि पहले अगर हमारी ब्रांच जो थी वो अगर थी हमारी आर वन बाई टू ई की पावर आई थीटा बाई टू, जिसको हमने एफ वन जेड माना था, वो अब चेंज होके एफ टू जेड हो गई। तो ब्रांच पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई? ब्रांच पॉइंट की डेफिनेशन ये हुई कि वो पॉइंट जिसके अबाउट अगर क्लोज्ड हम लोग कर्व रिवॉल्व करें पॉइंट को, और हमारी ब्रांच इंटरचेंज हो जाए या फंक्शन की वैल्यू हमारी चेंज हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रांच पॉइंट कहते हैं। यानी कि इसकी मैं आपको एक जो समझने वाली डेफिनेशन है पहले वो आपको लिखा देता हूं कि ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट ये इस केस में हमारा वो पॉइंट है जेड इक्वल टू जीरो। यानी कि ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट अबाउट विच व्हेन वी
make a rotation when we make a rotation the value of the function changes. यानी कि आप खुद देखिए कि ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट अगर हम पॉइंट जेड को किसी भी को एनी पॉइंट जेड को अगर हम लोग रोटेट कराएं, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं ब्रांच पॉइंट. यानी कि ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट अबाउट विच व्हेन वी मेक अ रोटेशन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंजेस. अब आप मान लीजिए हमने एक चक्कर लगा के हम यहां पे पहुंचे क्रॉस पे. अब क्रॉस से हमने फिर से लगाना चालू किया एक चक्कर और लगाते 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 फिर से हम उसी पॉइंट जेड पे पहुंच गए यहां पे डॉट. ठीक है, तो अब फिर से करते हैं यहां पे हम इसको एफ जेड इक्वल टू माइनस आर वन बाई टू ई की पावर आई थीटा प्लस टू पाई वन बाय टू. ठीक है, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस समय फंक्शन की वैल्यू यहां पे क्या है एफ टू जेड, यहां पे हमारी ब्रांच थी एफ वन जेड, यहां पे मेरी ब्रांच है एफ टू जेड. अब इस पॉइंट से हमने इसको घुमाना शुरू किया और जब एक चक्कर लगा के आए तो देखेंगे कि माइनस आर वन बाय टू ई की पावर आई थीटा बाय टू e की पावर पाई आई. यानी कि आ गया r 1 बाई टू ई की पावर i थीटा बाई टू, जिसको हम लोग बोलेंगे एफ वन जेड. यानी कि आपने देखा कि जब हमने 2 पाई घुमाया फंक्शन को पॉइंट z को तो ब्रांच हमारी एफ वन जेड से चेंज होके एफ टू जेड हो गई. और जब हमने 4 पाई का रोटेशन किया पॉइंट z का तो हमारी एफ टू जेड से चेंज होके एफ वन जेड हो गई. और ऐसे घुमाते जाएंगे तो फिर से एफ वन जेड से एफ टू जेड फिर एफ टू जेड से एफ वन जेड. यानी कि ये ब्रांचेस इंटरचेंज हो रही हैं, एफ वन जेड से इंटरचेंज होके एफ टू जेड बन रही है और एफ टू जेड से इंटरचेंज होके एफ वन जेड हो गई. तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आपको रब करके बताता हूं कि क्या होती है, फिर हम लोग ब्रांच कट के बारे में भी पढ़ते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया अभी, तो ब्रांच पॉइंट की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट अबाउट विच ब्रांचेस ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शंस आर इंटरचेंज्ड. यानी कि ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अबाउट अगर जेड का कोई क्लोज्ड पाथ हो तो जो ब्रांचेस होती हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शंस की वो इंटरचेंज होंगी. जो कि हमने अभी देखा कि हमारा पॉइंट जेड जो कि थीटा एंगल बना रहा है रियल एक्सिस से, जब एक क्लोज्ड पाथ लेता है यहां से घूमते हुए यहां आता है फिर से, तो जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन की जो ब्रांच है वो चेंज हो रही थी. फिर जब घूमा और फिर यहां पे आया फिर चेंज हो रही थी. यानी कि हमने देखा था कि r 1 बाई टू ई की पावर i थीटा बाई टू और माइनस r 1 बाई टू ई की पावर i थीटा बाई टू, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रही थी. तो ब्रांच पॉइंट हमारा वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट अगर हम रोटेशन करें तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है. कौन से फंक्शन की? मल्टी वैल्यूड फंक्शन की. तो ये एक तरह की हमारी सिंगुलैरिटी हो गई. क्या हो गई? सिंगुलैरिटी. तो ब्रांच पॉइंट इज अ टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी हो गई. क्योंकि ब्रांच पॉइंट के अबाउट अगर हम
पॉइंट जेड को रोटेट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हमारा ब्रांच पॉइंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ब्रांच पॉइंट पॉइंट इज अ फंक्शन इज अ ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस वेयर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि उसके अबाउट अगर रोटेशन कर रहे हैं पॉइंट जेड का तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है जब पूरा एक कंप्लीट सर्कल होके आ रहा है। तो हम लोग ब्रांच पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, जरा इसको भी समझ लेते, फिर हम लोग ब्रांच कट के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ था एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/2। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश जेड तो आएगा 1/2 जेड की पावर 1/2। तो पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तो यही हमारा पॉइंट होगा क्या, ब्रांच पॉइंट। तो पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो हमारा ब्रांच पॉइंट होगा, ब्रांच पॉइंट होगा, ये हम लोगों ने अभी देखा भी। अब मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1/2। तो इसके ब्रांच पॉइंट क्या होंगे जरा हम लोग ये देखेंगे। तो ब्रांच पॉइंट को निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो टर्म्स हैं इसको आप जीरो के इक्वेट कर दीजिए, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश जेड निकालेंगे तो आएगा 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2z। ठीक है, तो हमारा फंक्शन को प्रॉब्लम कौन से पार्ट से हो रही है, जेड स्क्वायर प्लस 1 से, और ये जब जीरो होगा तो हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। तो जेड स्क्वायर प्लस 1, तो वो पॉइंट पता कर लेते हैं जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो आएगा जेड इक्वल टू प्लस माइनस i। तो ब्रांच पॉइंट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1/2 के होंगे i और माइनस आई, टू ब्रांच पॉइंट। ठीक है, अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूं। जो जेड स्क्वायर प्लस 1 है आप इसको ये भी लिख सकते हैं जेड प्लस आई जेड माइनस आई 1/2। ठीक है, और z प्लस आई को आप डिफाइन कर दीजिए आर वन ई की पावर आई थीटा 1, और z माइनस आई को आप कर दीजिए आर टू ई की पावर आई थीटा 2। तो जो z स्क्वायर प्लस 1 होगा 1/2 वो होगा हमारा आर वन ई की पावर आई थीटा 1 और आर टू ई की पावर आई थीटा 2 1/2। ठीक है, तो ये होगा हमारा आर वन आर टू का स्क्वायर रूट e की पावर i थीटा 1/2 और i थीटा 2/2, यानी कि ये हुआ अंडर रूट आर वन आर टू e की पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। ठीक है, ये रहा। अगर हम ब्रांच पॉइंट की बात करें तो एक है हमारा ब्रांच पॉइंट i और एक है हमारा माइनस i। ठीक है, अगर हम i के अबाउट रोटेशन करें, किसके अबाउट, i के अबाउट, तो मान लीजिए इनिशियली हमारा जो एंगल है
वो थीटा वन है और पॉइंट हमारा जेड यहां पे है। ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट लगाने के बाद फिर से यहां पे आया तो हमारा जो अल्फा टू है वो हो गया थीटा वन प्लस टू पाई, यानी कि पूरा एक राउंड करके आया। ठीक है, और यहां पे हम लोगों ने कुछ टच नहीं किया। तो देखिएगा, अंडर रूट आर वन आर टू, ये हम लोग एफजेड की बात कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं, हमने नाम दिया हुआ है। हाँ, नाम दिया हुआ है। तो आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन प्लस टू पाई, यानी कि हमारा एंगल जो पहले इनिशियल थीटा वन था, रोटेट करके आए तो हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा वन प्लस टू पाई अपॉन टू, और आई की पावर आई थीटा टू बाई, ये ऐसे रहने दीजिए। अंडर रूट आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन बाई टू ई की पावर आई थीटा टू बाई टू ई की पावर पाई आई, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन बाई टू e की पावर आई थीटा टू बाई टू। यानी कि जो हमारा फंक्शन है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, उसको अगर पॉइंट z इक्वल टू आई के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि उसकी ब्रांच चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर z इक्वल टू माइनस आई के अबाउट भी हम लोग करेंगे तो हम लोग ये शो कर पाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। मगर अगर हम इन दोनों के अबाउट रोटेट करें, ऐसे अगर हमारा कोई पॉइंट जेड है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, और उसको हम लोग इन दोनों पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएं तो क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। तब तो हमारा थीटा वन चेंज होकर थीटा वन प्लस टू पाई होगा और थीटा टू हमारा चेंज होगा थीटा टू प्लस टू पाई होगा। ठीक है, तो जब हम दोनों पॉइंट के व्हेन वी रोटेट जेड अराउंड बोथ पॉइंट्स, जब हम दोनों पॉइंट के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं किसको, व्हेन वी रोटेट जेड अबाउट बोथ पॉइंट्स आई और माइनस आई, तो जरा देखिए क्या हो रहा है। एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन प्लस टू पाई बाई टू ई की पावर आई थीटा टू प्लस टू पाई बाई टू। ठीक है, अंडर रूट आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन बाई टू e की पावर आई थीटा टू बाई टू ई की पावर पाई आई और e की पावर पाई आई। तो ये क्या हुआ, अंडर रूट आर वन आर टू ई की पावर आई थीटा वन बाई टू ई की पावर आई थीटा टू बाई टू। यानी कि जब हम दोनों पॉइंट के अबाउट हम रोटेट किए पॉइंट जेड को तो फंक्शन की वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई, मगर जब सिंगल हम आई के अबाउट अगर रोटेट करें या माइनस आई के अबाउट हम लोग अगर रोटेट करें तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जरा ये समझते हैं। और इसी से हमारा कंसेप्ट है ब्रांच कट का। ब्रांच कट पहले मैं आपको नीचे बता देता हूं, फिर आपको इसके बारे में बताता हूं। तो ब्रांच कट हमारा एक तरह का एक लाइन या कर्व है, इज अ लाइन या कर्व विच रिस्ट्रिक्ट्स दी मल्टी वैल्यूड फंक्शन, यानी कि हमारी ब्रांच को चेंज होने से बचाने के लिए हम लोग ब्रांच कट करते हैं, यानी कि जहां से चेंज हो रहा है, जिस चीज से हमारा चेंज हो रहा है तो उस चीज को हम लोग कट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रांच कट। तो यानी कि ब्रांच कट हमारी वो लाइन या कर्व होगी विच रिड्यूसेस दी मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी
वैल्यूड फंक्शन इनटू सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि जो ब्रांच कट है वो एक लाइन या कर्व है जो हमारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाता है, यानी कि हमारी ब्रांच को चेंज होने नहीं देता है। चलिए अब ब्रांच कट के बारे में बताया तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ब्रांच कट। आपने अभी नोटिस किया z की पावर 1/2 में कि हमारा जो पॉइंट z था, अगर मान लीजिए वो यहां पे था, जिसको हमने घुमाते 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 पॉइंट z इक्वल टू जीरो के अबाउट जब हम घुमा रहे थे, फिर से जब हम यहां पहुंचे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, यानी कि ब्रांच चेंज हो रही थी, वो f1z से f2z हो रही थी, तो वो इस पॉइंट पे हो रही थी। तो अगर मैं ये चीज हटा दूं या एक लाइन या कर्व बना दूं और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि आप चाहे ये भी सर्कल ले सकते हो, ये भी सर्कल ले सकते हो, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। अगर हम अपने थीटा को, यहां अब की जो हम लोगों ने कर रहे थे वो अपने थीटा को जीरो से टू पाई घुमा रहे थे, ठीक है, मगर अगर हम अपने थीटा को अगर जीरो से स्टार्ट करें मगर टू पाई ना होने दें, टू पाई से अंडर, यानी कि यहां तक रखें, तो ये जो लाइन और कर्व होगी जो हमारे ब्रांचेस को इंटरचेंज होने से रोक रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच कट। ब्रांच कट, ब्रांच कट बोलते हैं उसको, यानी कि ब्रांच कट हमारी वो लाइन या कर्व होगी जो हमारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही बने रहने देगी। तो अब आप देख लीजिए, जब हमारा पॉइंट जेड को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं विद द कंडीशन कि हमारा थीटा जीरो से, जीरो या जीरो से बड़ा होता चला जाएगा, मगर टू पाई नहीं होगा, टू पाई से कम होगा, तो यहां पे हमारा जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसकी कौन सी ब्रांच रहेगी, f1z, यानी कि r 1/2 e की पावर i थीटा बाई टू, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम यही ले, हम ये भी ले सकते हैं कि हम माइनस पाई से चलें और पाई तक रखें, तो यानी कि जो z की पावर 1/2 है, जो उसकी स्टैंडर्ड ब्रांच कट है, एक तो ये हो सकती है, ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव रियल पार्ट में, या तो एक हम लोग नेगेटिव रियल पार्ट में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हो। यहां पे हम लोग माइनस पाई से पाई वाला कर रहे थे और यहां पे हम लोग ये वाला कर रहे थे, यहां पे हमारा ये वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ब्रांच कट समझ में आया होगा। अब जरा अभी हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल लिया था जेड स्क्वायर प्लस वन, वन बाई टू। यहां पे हम अगर हम लोग देखें तो एक ब्रांच पॉइंट हमारा i है और एक ब्रांच पॉइंट है माइनस i, तो इसका ब्रांच कट क्या होगा बच्चों, इट इज अ लाइन, ये लाइन होगी, ये लाइन हमारी कहलाएगी ब्रांच कट। ब्रांच कट, आपने नोटिस किया कि जब हमने अपने पॉइंट z को ऐसे घुमाया तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि हम लोगों ने ब्रांच कट को कहीं पे भी कट नहीं किया है, हमने जो ब्रांच कट है यानी कि जो लाइन या कर्व है उसको कहीं हमने टच नहीं किया, इसलिए फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहां पे भी अगर हम पॉइंट जेड को घुमाते घुमाते अगर इस पे टच नहीं कराएंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारी यानी कि जो पहली ब्रांच है वही रहेगी, तो ब्रांच, यही कारण रहा कि जब हमने रोटेशन अबाउट आई और माइनस आई किया तो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हो रही थी, मगर जब हम लोग आई के अबाउट या माइनस आई के अबाउट कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी। क्यों हो रही थी चेंज, क्योंकि हम लोग ये जो लाइन है, ये ब्रांच कट है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे थे, इसको कट कर रहे हैं, और जब भी आप ब्रांच कट को काटोगे, यानी कि एक हमारा ये बॉर्डर है, इसको आप जब भी आप क्रॉस करोगे आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, यानी कि ब्रांच कट हमारा एक बॉर्डर की तरह है, जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया आपकी ब्रांच इंटरचेंज हो गई, अगर आप जब तक नहीं आप इसको क्रॉस करोगे आपकी ब्रांच
आपकी जो ब्रांच है वो वही रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए अगर आपको मल्टी वैल्यूड फंक्शंस पढ़ना हो तो हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच लेते हैं, उस पे हम लोग जो भी है मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में जानना है उसके अबाउट देखते हैं कि कहां पे वो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, या एनालिटिसिटी चेक करनी है। वो कुछ थोड़े से और दो तीन एग्जांपल करके हम लोग ब्रांच पॉइंट निकालना सीखते हैं और इसको, इस टॉपिक को यहां पे एंड करेंगे, ठीक है। चलिए इन फंक्शंस के हम लोग अब ब्रांच पॉइंट निकालते हैं। तो जो पहला फंक्शन है fz इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वन वन बाई टू, तो इसके ब्रांच पॉइंट क्या होंगे जरा इसको हम लोग चेक करेंगे। z प्लस वन जेड माइनस वन वन बाई टू, जेड प्लस वन वन बाई टू, जेड माइनस वन वन बाई टू, तो इसके जो ब्रांच पॉइंट आए, ब्रांच पॉइंट आए वो आया हमारा एक वन और एक आया माइनस वन। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो ये वन, ये हमारा माइनस वन। अगर वन के अबाउट हम लोग अगर पॉइंट जेड को रोटेट कराएंगे तो ब्रांच हमारी चेंज होगी, यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन हमारा चेंज होगा। माइनस वन के अबाउट करेंगे तो भी हमारा चेंज होगा। तो यहां पे इसमें ब्रांच कट क्या है, एक तो ब्रांच कट है हमारी ये लाइन, ठीक है, यानी कि इसको हमें नहीं क्रॉस करना है। तो यानी कि अब अगर हम दोनों पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करें तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और एक ब्रांच कट और हो सकती है इसकी, माइनस वन ये वन ये वाली, ये भी हमारी एक ब्रांच कट हो सकती है। जो पुराना वाला भी एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने बताया था कि ये आई है और माइनस आई है, जिसकी एक ब्रांच कट हमने ये वाली बताई थी, और एक और हो सकती है ये वाली, ये ब्रांच कट, ठीक है। जब जब हम लोग ब्रांच कट को क्या कहते हैं क्रॉस करेंगे तो हमारा ब्रांच चेंज होती है, किसकी, मल्टी वैल्यूड फंक्शन की। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जेड क्यू माइनस जेड वन बाई थ्री fz। ब्रांच पॉइंट आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन है इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे जीरो के। यहां पे तो हमने सिंपली इसको क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड कर दिया, देखने में इसको यहां पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। वैसे आप सॉल्व करके इसको भी कर सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये हमारी ब्रांच पॉइंट आ गई। अब यहां पे जेड जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, और एक z इक्वल टू जीरो हुई, एक हुई वन हुई, और एक हुई हमारी माइनस वन। यहां पे थ्री ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट हमारे यहां पे तीन है। ब्रांच पॉइंट हमारा एक है z इक्वल टू जीरो, एक है z इक्वल टू वन, और एक है z इक्वल टू माइनस वन। यानी कि इन तीनों पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग रोटेट कराएंगे पॉइंट z को तो हमारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। अब एक और एग्जाम्पल है हमारा, एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस वन वन बाई टू, ठीक है। अब हमें इसके बारे में निकालना है, तो जेड क्यूब माइनस वन को जीरो के इक्वेट कर दिया मैंने, ठीक है, जेड इक्वल टू जेड क्यूब इक्वल टू वन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक आता है हमारा, इसके तीन रूट्स होते हैं क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, एक वन होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। ये अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसके बारे में सॉल्व भी किया था, इसको कैसे किया था हमने, ठीक है। तो इसके ब्रांच पॉइंट हमारे तीन ब्रांच पॉइंट होंगे, वन ब्रांच पॉइंट हमारे कितने होंगे, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम लोग ने जो पढ़ा वो था, हम लोगों ने फाइनाइट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, यानी कि हमारी ब्रांचेस फाइनाइट थी, दो थी, तीन थी, चार थी, पांच थी, ऐसे वाली। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनफाइनाइट ब्रांचेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग जेड की, जिसकी इनफाइनाइट ब्रांचेस होती है, इनफाइनाइट ब्रांचेस होती है। और इसमें हम लोग ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।